आगे मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो शिमला भी घूम आते हैं, कितना टाइम हो गया है कि हम लोग कभी टूर पे गए नहीं है। तो गाइस आज हमारा शिमला का टूर बना है, तो मैंने कहा चलो अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दिखाया जाए। साथ नहीं दोगे जब तक कि आप लोग मुझे मतलब मुझे आपको वो नहीं कहोगे कि कहाँ से आप सही, मैं सही बोलती हूँ नहीं बोलती हूँ कि कहाँ मेरी मिस्टेक रहती है, क्योंकि मेरे को इतने अच्छे से अभी वीडियो बनानी नहीं आती क्योंकि मेरा न्यू स्टेप है गाइस। तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि हाँ मैम आप यहाँ पे गलत है, आप यहाँ पे सही है, आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया या नहीं किया। तो प्लीज़ आप ही लोग हेल्प करेंगे मेरी इन सब चीज़ों में। सो गाइस देखिए हम जा रहे हैं अभी आगे, मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत आ रहा है। वादियां तो एकदम क्लियर लगती है जब सुबह सुबह निकलो। तो गाइस मैं आपको टाइम बताना तो भूल गई, टाइम अभी हो रहा है 10:30 बज रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब रात को हम लोग निकले थे सहारनपुर से। तो गाइस सॉरी मैं सहारनपुर से यहाँ तक का रूट कवर नहीं करा क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। बाकी जब मेरे को लगा कि हाँ यार अब बना लेनी चाहिए वीडियो, हस्बैंड ने भी बोला कि फोर्स किया कि तेरा जब यूट्यूब चैनल है, तेरे फॉलोवर्स है, जब तो तू क्यों नहीं शो करती उनको, लोग तेरी उसकी वीडियो क्या तू वीडियो डाल अच्छी खासी। तो मेरे को मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा इस बात के लिए प्रोत्साहित किया था कि भाई आप वीडियो डालो, कि आप वीडियो डालोगे तो आपके व्यूज़ अच्छे आएंगे और आपकी यादें ही रहेगी, अगर व्यूज़ भी ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कोई नहीं कोशिश करते रहनी चाहिए। हम जब सीरियसली जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ घूम घूम के आए हैं। सॉरी गाइज आपको मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ आपसे कि मैं जिस रेस्टोरेंट में रुकी या जिस होटल में मैंने रूम लिया कल, तो उस होटल की मैं आपको वीडियो या ब्लॉग कोई नहीं बना पाई क्योंकि उस टाइम रात हो चुकी थी, रात के 9 बज चुके थे और हम थक चुके थे बहुत ज़्यादा और हमारे पास कैमरा नहीं था, कैमरा एक्चुअली मेरा घर रह गया। तो हम लोग ऐसे अचानक से आए थे मत्था टेकने के लिए गुरुद्वारे, तो हमने सोचा कि चल आगे भी चल लेते हैं। मेरा सारा सेटअप घर रह गया। वैसे मसूरी के जो पहाड़ हैं गाइस वो मैंने देखे, वो थोड़े कंजक्स्ट हैं, वो थोड़े बीचे बीचे, और यहाँ के जो शिमले के पहाड़ हैं गाइस मुझे बहुत पसंद आए क्योंकि इनमें पार्टीशन दी हुई है, फोर लाइन है और पार्टीशन भी अच्छी दी गई है, मतलब जो सीधा मतलब जो राइट में चल रहा है वो राइट में, जो लेफ्ट में मतलब जो आने का रास्ता है वो एक साइड अलग है, जो जाने का रास्ता है वो अलग है, आने वालों के लिए अलग रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है, जाने वालों के लिए अलग रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है। तो गाइस मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग कुछ वो मिस कर रहे हैं, बट मैं
सच्ची में बहुत सॉरी फील कर रही हूँ कि काश मैं आप लोगों को सहारनपुर से यहाँ तक का व्यू दिखा पाती कि हमने कहाँ कहाँ रुके, हमने क्या क्या इंजॉयमेंट करी है। चलो मैंने पहले नहीं दिखाया तो, पर मैं अब ज़रूर दिखाने की अपने ब्लॉग में पूरी पूरी कोशिश करूँगी। ये तो रास्ता है कि हम शिमला जा रहे हैं अभी, तो ये मैं आपको रूट दिखा रही हूँ जिस रूट से हम जा रहे हैं। गाइस चलो मैं आपको बता ही देती हूँ कि हमने कहाँ, हमने कितने में रूम लिया था, हमने क्या इंजॉय किया क्या नहीं इंजॉय किया। वैसे मैं रेस्टोरेंट का नाम भूल गई, क्या नाम था उसका जिस रिजॉर्ट में हम रुके थे? पंजाबी तड़का, राइट। पंजाबी तड़का नाम का रिजॉर्ट था, हम उसमें रुके थे। सितंबर के लास्ट में हम आए हैं। 29 है ना आज, 30 है आज, 30 है। तो हम बिल्कुल लास्ट में आए हैं, मानसून जा चुका है यहाँ से, या थोड़ा बहुत है तो कह नहीं सकते कि होगा, पर ये है कि काफ़ी अच्छा माहौल है और काफ़ी अच्छा वादियाँ हैं। आप आए तो लास्ट में ही आए, भी इनके बीच में सितंबर के लास्ट में, सितंबर के बीच में मत आना कभी भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत लैंड स्लाइडिंग होती है और मानसून का सीज़न होता है उस साइड पे। गाइस जून से जुलाई, मई से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन के चांसेस होते हैं। मई टू सितंबर मिड तक के यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन के चांसेस रहते हैं और लैंड स्लाइडिंग का बहुत खतरा रहता है। तो इसीलिए आप जब भी आए, या तो आप आए लास्ट में नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक के फॉरेस्ट टाइमिंग है शिमला घूमने आने का, तो ज़रूर आए अपनी फैमिली के साथ। तो हमने उस रिजॉर्ट में रुके, हम लास्ट में आए हैं तो यहाँ पे थोड़ा पीक सीज़न नहीं है, ये अभी शिमले का डाउन सीज़न है, लो सीज़न है। तो यहाँ पे रूम हमें 1000 रुपीज़ में अवेलेबल हो गया था, और जिसमें गीजर शावर भी था और गीजर भी था, सब कुछ था। मेरे को नहाने तो बहुत प्यार है, मैं पहले देखती हूँ कि कहीं पहले वो होना चाहिए, गीजर होना चाहिए। अगर हम कहीं बर्फीले या पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं ठंडे इलाके में, तो इंसान को होता है कि पानी गर्म हो तो बंदा आराम से फ्रेश हो जाता है। यहाँ से हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं गाइस, देखिए आप, मैं अपनी बातें भी कंप्लीट कर रही हूँ कि जो जो मैंने इंजॉय किया। सहारनपुर से आते हुए हम पहले बीच में संगम रेस्टोरेंट पे रुके थे, बीच में ही थाने छप्पर की साइड आपको संगम रेस्टोरेंट पड़ेगा। संगम रेस्टोरेंट तो प्योर देसी घी में खाना देता है, बहुत टेस्टी खाना है, जेनवन थाली मिलती है वहाँ पे। थाली के वहाँ के हर एक आइटम बहुत टेस्टी है संगम की है। जब हम वापस जाएंगे तो अगर मैं उस रूट से गई जिस रूट से मैं आई थी, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी गाइस कि संगम रेस्टोरेंट कैसा है कैसा नहीं है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ रात को पहुँचे थे, हम 8:30-9 बज गए थे। हमें ट्रैवल करते करते मैं सुबह निकली थी 3:30 बजे और 3:30 बजे की निकली हुई मैं इस टाइम पर पहुँची थी घर यहाँ पर, सॉरी रेस्टोरेंट पंजाब तड़का रेस्टोरेंट के जर्मन प्राइस थे 1000 रुपीज़, जिसमें बहुत क्लीननेस का बहुत ध्यान रखा गया था और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था और होटल था। मैं तो कह सकती हूँ ये भी नीचे रेस्टोरेंट ऊपर होटल था, और बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पे घूमने में और इंटरेस्टेड भी था बहुत ज़्यादा। हम नीचे आए, बाहर गए हम लोग रेस्टोरेंट में, हमने मक्की की रोटी सरसों का साग भी खाया, बहुत टेस्टी था। मैं आपको, अगर हम यहाँ से वापस आए तो मैं आपको वो रेस्टोरेंट की फ़ोटो और इमेज सब कुछ आपको मेंशन करूँगी ज़रूर। तो गाइज आज अभी के लिए इतना ही, मैं आपको धीरे धीरे करके रूट कवर करवाती रहूँगी। ओके बाय।